हेलो एवरीवन, मैं निशा। वेलकम टू निशा मेकओवर। सो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक हेयर स्टाइल की वीडियो। काफ़ी इजी हेयर स्टाइल है, क्विकली हो जाता है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आई होप आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम कर रहे हैं अपने हेयर को कॉम्ब। कोई भी बीच में टेंगल्स नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज हमारा हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं बनेगा। और पीछे के हेयर आगे डिस्टर्ब ना करें, तो हम पीछे उनके क्लिप कर देंगे। देन हम शुरू कर रहे हैं क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग जितनी अच्छी होगी हमारा हेयर स्टाइल उतना अच्छा बनेगा। क्रिम्पिंग हमें थोड़ी हार्ड करनी है, क्योंकि हमारे हेयर में जितना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा उतनी ही अच्छे से इजली तरीके से हमारा हेयर स्टाइल बन जाएगा। अदरवाइज सिंपल सिल्की हेयर में हेयर स्टाइल नहीं बन पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं वाले हेयर। सो आप क्रिम्पिंग अच्छे से कीजिएगा। थोड़ा मशीन को रुक रुक के चलाइए, जिससे हमारी क्रिम्पिंग थोड़ी हार्ड हो, वो जल्दी से निकलती भी नहीं है। हेयर स्टाइल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है हमारा। मैं काफ़ी सारी हेयर स्टाइलिंग करती रहती हूँ, बहुत लोगों को पसंद भी आते हैं मेरे हेयर स्टाइल। सो बट वीडियो शूट नहीं कर पाती थी, आज कोशिश की है वीडियो शूट करने की। आगे भी मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल की वीडियो लेके आऊँगी। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग, मैं जल्दी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उससे पहले आप इस हेयर स्टाइल पर फोकस कीजिएगा। हमारी क्रिम्पिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ गया है हमारे हेयर में, क्योंकि हमारा जो हेयर था वो बहुत ज़्यादा सिल्की था, तो इसलिए हमें क्रिम्पिंग का डबल डबल कोड करना पड़ रहा है। आप भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी क्रिम्पिंग कितनी अच्छे से हुई है, कितना ज़्यादा वॉल्यूम हमारे हेयर में आ गया है। आप इस पर ईजिली कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो, मिडिल में कर सकते हो, साइड में कर सकते हो, आप इस तरीके से पीछे ले जाकर पिन सेट कर सकते हो। बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग होती है और लाइंस भी ईजिली ड्रॉ हो जाती हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं आ गई हूँ पीछे, मुझे एक बनाना है लॉन्ग कफ, तो मैं उसके लिए कर रही हूँ बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग आपको रूट से अच्छे से करनी है, वो रूट से लॉक होनी चाहिए। आप उस पर स्प्रे भी कर सकते हो, उससे वो अच्छे से लॉक हो जाती है, वो निकलती भी नहीं है। और आपको पफ के ऊपर कोई दुपट्टा नहीं रखना है, तो आप उसको ऐसी बैक कॉमिंग करके भी पफ बना सकते हो, उसके अंदर कोई फिलर डालने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको सर पे दुपट्टा रखना है और काफ़ी हैवी दुपट्टा है, तो हमें पफ के अंदर फिलर डालना होता है, नहीं तो हमारा पफ अंदर की साइड दब जाएगा। तो आप इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना। अब मैंने पफ बना दिया है, मैंने इसके अंदर फिलर डाला है, मैं इसको कर रही हूँ पिंसिल लॉक। मुझे लाइंस नहीं डालनी, आप इस पफ के ऊपर लाइंस भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली, मुझे पफ ऐसे ही अच्छा लग रहा था। एक बार आप मिरर में देख के चेक कर लें कि आपका पफ इक्वल बना है कि नहीं। अगर नहीं बना है तो आप कॉम की हेल्प से उसको ठीक भी कर सकते हो। पीछे का पफ बनाने के बाद आपको एक बार मिरर में देख के चेक ज़रूर कर लेना है कि हमारे क्लाइंट के फेस पे कौन सा साइड पार्ट ज़्यादा है या फिर मिडिल वाला, तो आप उसके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइलिंग कीजिएगा। इनके फेस पे साइड ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने साइड वाला ही बनाया है। बट इनके आगे के बाल बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर थे, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगी कैसे ठीक करना है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने पीछे एक क्रॉस में एक सेक्शन लिया है, उसको मैंने हल्का सा बैक कॉमिंग किया था रूट पे, देन मैंने पीछे पिनअप कर दिया है। मैंने सेक्शन एकदम सीधा नहीं लिया है, मैंने थोड़ा तिरछा ही वो सेक्शन लिया है। अब उससे आगे मैं एक सेक्शन ले रही हूँ, उसमें जो इनके कटिंग वाले हेयर थे उसमें मैंने ट्विस्ट करके मैं पीछे ले गई इन हेयर को, और देन मैं आगे से हल्का हल्का उनको फ्लफी से खोल दूँगी, ताकि वो एकदम पटपट सा ना लगे, थोड़ा सा बाउंसी लगे। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी स्प्रे, क्योंकि हमने हल्की हल्की लाइन्स पहले बना दी थी। अब मैं सिर्फ उनको फिनिशिंग दूँगी, स्प्रे डाल दिया है, उसके बाद मैं हल्की फिनिशिंग दूँगी, देन मैं इन्हें यू पिन से होल्ड कर दूँगी। मैंने लाइन अच्छे से बना दी है, अब करूँगी मैंने यू पिन से होल्ड। आप भी ऐसे यू पिन से उसको होल्ड कर सकते हो। आजकल इस तरह के लाइनिंग वाले हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, सो आप लोगों को ये तो आने ही चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम पीछे, तो पीछे हम कर रहे हैं सेक्शन को ऊपर टाई। वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने हेयर में कटिंग करा रखी थी। पहला सेक्शन मैंने ऊपर टाई कर दिया है, अब हम ले रहे हैं सेकंड को।
इससे क्या होगा ना, हमारे जो कर्ल्स हैं वो कटिंग के अकॉर्डिंग ही बनेंगे और बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। वो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो अगर आपके हेयर पे कटिंग है तो। तो अब करेंगे हम कर्ल्स। मैंने न्यू कलर मंगाया हुआ था जिससे हम अभी कर्ल्स कर रहे हैं, पर ये एकदम बकवास कलर है। ये इसने एक भी कर्ल्स ठीक से नहीं बनाया, सारे हेयर चिपका रहा था क्योंकि हमने इसको यूज़ भी नहीं किया है अभी। मैंने सोचा हम यूज़ भी कर लेंगे और हमें पता भी चल जाएगा ये कैसा वर्क कर रहा है, पर एकदम बकवास कलर है। हमने फिर दूसरा कलर लगाया और उससे हेयर कर्ल्स किए। हमें अपने सारे कलर इक्वल ही बनाने हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कल्स हमारा ऊंचा हो रहा है, एक कल्स हमारा नीचा हो रहा है। सो इनकी कटिंग थी तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कल्स किया है। अगर आप लोग कल्स कर रहे हो तो आप इक्वल ही करना, तो ज़्यादा सुंदर लगता है। बात करते करते हमारे कल्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट हैं, बस ये लास्ट कल्स हम कर रहे हैं। अब पीछे डाल रही हूँ मैं स्प्रे। सारे कर्ल्स को बनाकर भी आप स्प्रे डाल सकते हो, अदरवाइज जैसे बनाए तभी भी स्प्रे कर सकते हो, बट अच्छा होगा आप सारे कर्ल्स पे एक साथ ही स्प्रे करो। अब ये मैं नीचे से उठा के ऊपर पुश कर रही हूँ, इससे हमारे कर्ल्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। अब लगा रही हूँ मैं 11। 11 आप यू पिन की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बॉबी पिन की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट मेरे हेयर स्टाइल में नीचे लगी हुई थी बॉबी पिन तो उसमें ही मैंने यू पिन टक कर दी और बहुत ईजिली ये 11 टक हो गया है। आप भी ऐसे कर सकते हो, बहुत ईजिली तरीके से ये लग जाता है। आप एक यू पिन बीच में भी टक कर सकते हो, इससे हमारा 11 और अच्छे से लग जाता है। ये सिंपल इजी हेयर स्टाइल आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब निकाल रहे हैं अपनी यू पिन जो हमने लाइंस को होल्ड करने के लिए लगाई हुई थी। हमारी लाइंस अच्छे से सेट हो गई हैं। हेयर स्टाइल को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ आप इसमें डेकोरेशन करने के लिए और भी कुछ लगा सकते हो। अब ये मैंने क्या किया है, ये जो मोती जो सभी के पास अवेलेबल होंगे यू पिन के बीच में, इसको फंसा के मैंने इससे थोड़ा सा डेकोरेट कराया हेयर स्टाइल को। और आप भी ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट में बिब्स भी मिलते हैं इस तरीके से, बट वो मेरे पास इस वक्त ख़त्म हो गए तो मैंने कुछ काम चलाओ काम कर दिया है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। आप इस बन हेयर स्टाइल में इसको लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं, मैंने भी बहुत बार लगाए हैं। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस हेयर स्टाइल को आप इंगेजमेंट में कर सकते हो, पार्टी में कर सकते हो, ये हेयर स्टाइल सब पे जाता है। साड़ी के ऊपर जा सकता है, गाउन के ऊपर जा सकता है, कोई भी ड्रेस के ऊपर आप इसको ईजिली कर सकते हो, बहुत सुंदर ये हेयर स्टाइल लगता है। सिंपल हेयर स्टाइल है बट आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।